नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं पीएनबी की। 125.8 का स्टॉक हो चुका है और 22% के आसपास की गिरावट यहां पर देखी गई थी फ्राइडे को। ओवरऑल अगर आप देखेंगे पंजाब नेशनल बैंक में बहुत सारे सेल कॉल आना स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत ही फ्यू यहां पर बाय कॉल से। तो किसकी तरफ जाना है, क्या करनी है, खरीदारी क्या करना है, बेचना है, यहाँ पर होल्ड करके रखे तो कैसा चलेगा, और इस हफ्ते में मेनली आप देखिए इस वीक में मार्केट आपका कैसा चलने वाला है। क्या 125 से ये बढ़ करके 130 की तरफ जाएगा या फिर 125 से बढ़ करके ये 120 115 की तरफ आ सकता है, उसकी चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखेंगे पीएनबी को तो छोटा स्टॉक है, बड़ी अभी वॉल्यूम में भी कमी देखने को मिल रही है। 26 मिलियन शेयर आपके फ्राइडे को ट्रेड हुए थे। गिरावट का मेन रीजन क्या था? गिरावट का मेन रीजन था बाजार में भी अगर आप देखेंगे तो वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है इस पॉइंट पर। खास तौर पर अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 में भी 0.28% के आसपास की गिरावट है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में 0.73% गिरावट हुई। तो मेनली अगर आप मोटा मोटा देखेंगे तो हाँ, बाजार में फ्राइडे को गिरावट का माहौल देखने को मिला था। और अगर पूरा वीक भी आप समराइज करते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे वीक में गिरावट का ही माहौल बाजार में रहा और उसी को फॉलो किया है पीएनबी ने भी। पीएनबी यहाँ पर डिफरेंटली नहीं चला है, ठीक है। ओवरऑल अगर आप बात करें तो यहाँ पर मार्केट को फॉलो करता हुआ पीएनबी रहा है। और पीएनबी में क्योंकि आपको चार्ट दिखा देता हूँ, पीएनबी में क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल एक रेंज बन चुकी है लोअर एंड पे 120 रुपीज के आसपास का और अपर एंड पे 130-135 के करीब की यहाँ पर रेंज बनी हुई है। इसी रेंज में स्टॉक आपका ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये रेंज जब तक ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलती है तब तक के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा गिरावट का माहौल रहेगा। क्लियर का ट्रेंड यहाँ पर फॉलो होता हुआ दिखाई दे रहा है। गिरावट में इंटरनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि पीएनबी में कोई बड़ा लॉस हो गया हो या फिर स्कैम हो गया हो या फिर कोई बड़ी खबर आ गई हो जो कि नेगेटिवली इंपैक्ट करे लंबे समय के लिए। ये एक अच्छा स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, लंबे समय में रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। अब बात करते हैं कि हफ्ते में कैसा रहने वाला है। देखो अगर आप फंडामेंटल की बात करो तो कंपनी काफी बढ़िया काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कंपनी आने वाले दिनों में भी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देगी। बट प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है जब चार एनालिस्ट स्ट्रॉन्ग सेल का कॉल देते हैं, तीन एनालिस्ट सेल का कॉल दे रहे हैं, छह होल्ड कर रहे हैं और सिर्फ चार एनालिस्ट बाय करने के लिए बोल रहे हैं। शेयर खान का मैंने आपको लास्ट में वीडियो दिखाया था, लास्ट वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि उन लोगों ने यहाँ पर 140 का टारगेट दिया है इस स्टॉक को लेकर के। अच्छा है, शेयर खान एक बड़ा ब्रोकरेज हाउस है और वहां पर अगर बाय कॉल आ रहा है तो एक सिंपल सा क्लियर कट इंडिकेशन तो है कि बाजार में इसमें एक बड़ी रैली की संभावना बन रही है। बट फिर भी क्योंकि मार्केट के हालात अच्छे नहीं है तो यहाँ पे हमें सारी चीजों को कंसिडर करके चलना पड़ेगा। जहां तक बात रेवेन्यू की रही तो 32,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है, मार्जिन ठीक ठाक है कंपनी का। एनपीए 5% से ज्यादा का है जो कि प्रॉब्लमेटिक है और यही कारण है कि जब भी कंपनी तेजी से ऊपर जाती है तो सेबी इसके ऊपर एएसएम जीएसएम लिस्ट वाला चोचलेबाजी करना स्टार्ट करती है। अभी भी कंपनी जो है एएसएम और जीएसएम दोनों ही लिस्ट में शामिल है तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। पहला रीजन जो कि पहला रीजन है हमारा, क्योंकि ये एएसएम जीएसएम लिस्ट में शामिल हो चुका है, इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है और वो एक बड़ा कारण बन सकता है गिरावट का। और यही रीजन पिछले वीक भी रहा ऑलमोस्ट, एक तो मार्केट और दूसरा एएसएम जीएसएम लिस्ट में सेबी को उसको डालना, वो एक बड़ा रीजन रहा। अब बात करें अच्छी खबरों के बारे में तो देखो भैया, एक साल में आपको 150% का रिटर्न दे दिया है कंपनी ने। इस महीने में साइडवेज की जर्नी रह सकती है इसकी या फिर ये थोड़ा सा ट्रेंड में फॉलो करेगा तो होल्ड करना है। मेरा यही रहेगी कि होल्ड करो। निचले लेवल से अगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है यहाँ से और इसी रेंज में अगर बना रहता है, आपका नीचे आता है ऊपर जाता है तो बेहतर रहेगा। अगर ये ट्रेंड ब्रेकआउट होता है तो 120 रुपीज तक का सपोर्ट लेवल आपको लेकर के चलना है, 120 रुपए का सपोर्ट लेवल आपको रखना है यहाँ पे। और 120 ब्रीच नहीं करेगा, जहां तक उम्मीद है 120 रुपीज का जो सपोर्ट लेवल है उसको ब्रीच नहीं करेगा किसी भी कीमत पे, तो एक अच्छी कंडीशन आपके लिए यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। अपर एंड की अगर आप बात करें इस वीक में, अगर बहुत ही अच्छा मार्केट चलता है जो कि उम्मीद कम है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अभी भी नहीं है मार्केट में अगर आप देखें तो, और कहीं ना कहीं ग्लोबल संकेत भी बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं, ऐसे में आप ऐसा नहीं मान सकते कि मार्केट आपका पूरा 1% 2% गेन कर जाएगा। बट अगर ऐसा होता है तो पीएनबी फॉलो करेगा और 135 अपर एंड और उसके नीचे 130 रुपीज तक के टारगेट, 130 पहला और 135 दूसरा आपका टारगेट आप लेकर के चल सकते हैं अगर मार्केट बहुत ही अच्छा चलता है तो। मुझे उम्मीद है कि 130 तक मार्केट आपका जा सकता है अगर ठीक ठाक चलता है तो भी। तो पीएनबी में 120-130 के आसपास के आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पर रखना है। सपोर्ट रहेगा आपका 120 रुपीज का और जो रेजिस्टेंस रहेगा आपका 130 रुपीज के आसपास का रेजिस्टेंस आपको लेकर के चलना है। ओवरऑल स्टॉक आपका ठीक चल रहा है, बेयरिश मोमेंटम थोड़ा सा है इस स्टॉक में, कोई दो राय नहीं। अगर आप मैग्डी भी देखते हैं तो यहाँ पर भी बेयरिश मोमेंटम है और यहाँ अगर आरएसआई की बात की जाए तो ये साइडवेज का इंडिकेशन दे रहा है। खबरें ठीक ठाक है, खबरें अभी अभी बुरी नहीं है, बट हाँ फंड रेजिंग की खबरें कुछ आने वाली है, बोर्ड मीट होने वाला है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ।
कंपनी यहाँ पर फाइनली बोर्ड मीटिंग के लिए राजी हो गई है। इन्वेस्टर्स मीट है यहाँ पे, एनालिस्ट मीट है यहाँ पे, पीएनबी अनाउंसमेंट एंड रेगुलेशन 30 एलओडीआर एनालिस्ट इन्वेस्टर मीट इंटीमेशन है ये। शुरुआत होने वाली है, डेट कब की है मैं आपको बता दूंगा, बट ओवरऑल अगर आप बात करें तो बोर्ड मीट में कुछ बड़ी फैसले यहाँ पर फंड रेजिंग को लेकर के हो सकते हैं, वो एक बड़ी खबर हो सकती है आपके लिए। अभी के लिए स्टॉक साइडवेज का इंडिकेशन कर रहा है, इस हफ्ते में कोई बड़ी रैली की, बड़ी गिरावट की या बड़ी तेजी की उम्मीद मैं नहीं कर रहा हूँ। होल्ड कीजिए, बने रहिए इस स्टॉक में, अच्छा कंपनी है, लंबे समय में आपको प्रॉफिट देगा। इस वीक में साइडवेज का ट्रेंड फॉलो करेगा स्टॉक आपका। लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए, मेरी स्ट्रेटजी क्या है मैंने बताई है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है कमेंट करना। खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं या फिर होल्ड करके बैठेंगे आप इस स्टॉक को, क्या आपकी स्ट्रेटजी कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को हम यही खत्म करेंगे, पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर पूछना हो तो। थैंक यू।